नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने के बाद एलन मस्क अब कोका कोला को खरीदना चाहते हैं। एलन मस्क ने ट्वीट करके लिखा है कि वो जल्द ही कोका कोला को खरीदेंगे और इसमें कोकीन डालेंगे। हालांकि एलन मस्क ने यह हल्के अंदाज में कहा है और इसके बाद अगला ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि ट्विटर को सबसे अधिक मजे वाली जगह बनाते हैं। एलन मस्क के इस ट्वीट पर यूजर ने लिखा है कि आप मैकडॉनल्ड्स को खरीद लीजिए और इसकी सभी आइसक्रीम वाली मशीन को ठीक कर दीजिए। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 3303 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,68,799 हो गई है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और बढ़कर करीब 16,980 पर पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। वहीं संक्रमण से 39 और लोगों की जान गई है और अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 5,23,693 हो गई है। सभी स्थानीय भाषाओं को आगे बढ़ाने में जुटे केंद्र ने आधिकारिक कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के साथ अब राज्य के गीत को भी बजाने और गाने की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। तमिलनाडु में खड़े हुए विवाद के बाद शिक्षा मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, जिसके तहत अब IIT मद्रास सहित राज्य के किसी भी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में अब राज्य के गीत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद बजाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को वर्चुअल बैठक की। पीएम के साथ बैठक में शामिल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुर्खियों में हैं। बैठक के दौरान उनकी आराम की मुद्रा चर्चा में है, जिसे भाजपा ने केजरीवाल की अशिष्टता करार दिया है। साथ ही सवाल किया है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक में कोई मुख्यमंत्री ऐसा आचरण कैसे कर सकता है। भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता जारी है। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी रही और ये तेजी बुधवार को जारी देखने को नहीं मिली। शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला और गिरावट के साथ ही बंद हुआ। इसका नतीजा रहा कि निवेशकों के करीब 25 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। प्रोविजनल एक्सचेंज डेटा के अनुसार BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 266.9 लाख करोड़ रुपए रह जाने से निवेशकों की संपत्ति में 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भाजपा और उसके मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान मुख्य तौर पर उसके तीन कोर एजेंडे को लेकर ज्यादा रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना, इनमें से दो कोर एजेंडे को नरेंद्र मोदी सरकार हासिल कर चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से जारी है और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम का दौरा करते देखे गए और वहां के कार्बी आंगलोंग जिले में दीपू में शांति सद्भाव और विकास रैली को संबोधित करते देखे गए। साथ ही वो शिक्षा क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखते देखे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री 7 कैंसर अस्पताल राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया और पूरे असम में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी उन्होंने रखी। अमेरिका ने भारत, चीन, रूस समेत 7 अन्य देशों को अपनी वार्षिक प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में शामिल किया है। ये कदम बौद्धिक संपदा की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए उठाया गया है। इस लिस्ट में शामिल किए गए 4 अन्य देश अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला है। इन साल की लिस्ट में शामिल ये 7 देश पिछले साल की लिस्ट में भी मौजूद थे। नीतीश सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा। इसी कड़ी में आर्थिक अपराध शाखा ने 2 अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बिहार राज्य की आर्थिक अपराध इकाई ने अवैध रेत खनन और गैरकानूनी व्यापार के मामले में 2 भ्रष्ट लोक सेवकों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की। इकाई के अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। इन अधिकारियों पर रेत माफिया के साथ मिलकर सरकारी राजस्व का नुकसान करने के आरोप भी लगे हैं। MAHAGENCO ने चीफ इंजीनियर, डिप्टी चीफ इंजीनियर और अन्य के रिक्त पदों को भरने के लिए युवा और योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन जारी कर दिए हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग डिग्री पास कर ली है और आप कई दिनों से सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आप इन पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर फॉर्म भर सकते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चयनित लीची को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग आ गया है। समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत जिले का चयन किया गया है। इससे आने वाले दिनों में पैक्स और व्यापार मंडल, लीची प्रोसेसिंग यूनिट, 500 और 1000 MT क्षमता वाले गोदाम, कंपोजिट यूनिट भी बनाए जाएंगे। इसमें मसाला, गेहूं, पिसाई, तेल, पिराई और अन्य कृषि उत्पाद को बाजार दिलाने में सहयोग मिलेगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट से लीची के पल्प, जूस सहित अन्य उत्पाद को बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन इक्विलिनो ने बुधवार को यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ये मुलाकात 11 अप्रैल को भारत और अमेरिका के बीच हुई 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद हुई है। बीते दिनों 2+2 वार्ता में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भारत को प्रशांत क्षेत्र में रक्षा उद्योग के नेता और क्षेत्र में शांति के हिमायती के रूप में भारत का समर्थन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैर भाजपा शासित राज्यों से पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के लिए कहा है। सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी। इसके बाद कई राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट पर घटाया था, लेकिन कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने वैट नहीं घटाया था।
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसे दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो राष्ट्रीय राजधानी और देश का चेहरा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शासन प्रणाली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद होने के बावजूद आवश्यक रूप से केंद्र सरकार की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। मेहता ने कहा है कि ये किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं है। केजीएफ को लेकर लोगों की दीवानगी साफ देखने को मिल रही है। फिल्म लगातार कमाई का आंकड़ा पार कर रही है। यश की धांसू एक्टिंग के आगे सभी सितारे पस्त नजर आ रहे हैं। फिल्म की रफ्तार इतने दिनों बाद भी थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म आरआरआर के बाद केजीएफ ने धूम मचा दी है। आपको बता दें आरआरआर बनने में 550 करोड़ की लागत आई थी, वहीं केजीएफ 2 में 150 करोड़ में ये बनकर तैयार हुई है। तेलंगाना के शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने केंद्र पर तीखे कटाक्ष के साथ ही पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने के लिए विफल रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की आलोचना का जवाब दिया है और दावा किया है कि केंद्र के विपरीत राज्य ने 2014 के बाद से कभी भी कर स्लैब नहीं बढ़ाया। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने ट्वीट की और एक श्रृंखला में केंद्र पर हमला किया और इसके बजाय पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार से राज्य सरकार पर लगाए गए उपकर को कम करने के लिए कहा है ताकि वो ईंधन की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर सके। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पटना में सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का आयोजन किया। ये आज से शुरू होकर 1 मई 2022 तक चलेगा। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस एक्सपो में आए और बिहार और देश के प्योर सिल्क को प्रोत्साहित करें। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन ने आज सिलिकॉन वैली में निवेशकों और उद्यमियों के साथ चर्चा की और वर्ष 2023 तक भारत में डिजिटल मुद्रा शुरू की जाने की बात की है। सीतारमन ने फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने बजट में डिजिटलीकरण के लिए बजट में कई पहलुओं की घोषणाएं की है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी के विस्तार परियोजना को केंद्रीय वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य शासन ने भी 5.10 लाख टन स्मेल्टर संयंत्र के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चीन के गामी कंपनी से निर्माण कार्य का अनुबंध किया गया है। जेवर एयरपोर्ट अभी ना तो बनकर तैयार हुआ है और ना ही अभी वहां से फ्लाइट आसमान में उड़ान भर रही है, लेकिन एयरपोर्ट का सिर्फ काम शुरू होने से ही आसपास की जमीनों के रेट आसमान छूने लगे हैं। रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात तो छोड़िए, एक छोटे से दूध सब्जी के कियोस्क भी करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं। यमुना अथॉरिटी ने जिस कियोस्क की शुरुआती बोली 9 लाख रुपए रखी थी वो 1.5 करोड़ रुपए का बिका है। पानी तैरने वाले शहर का अनोखा प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी हरी झंडी पा चुका है। इस ओशनिक्स कंपनी की तरफ से बनाया गया है और दावा किया गया है कि शहर पानी में बसा जरूर होगा लेकिन इस पर बाढ़ का कोई असर नहीं होगा। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक बुसान दुनिया का पहले पानी में तैरने वाला शहर होगा। पहले इसके 2025 तक बनने की उम्मीद थी लेकिन अब इसके 2 साल पहले ही तैयार हो जाने की बात कही जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को लेकर पीएम मोदी के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। पीएम मोदी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि अगर केंद्र सरकार उनका बकाया क्लियर कर दे तो फिर राज्य सरकार 5 साल तक पेट्रोल डीजल पर टैक्स माफ कर देगी। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि जीवन बीमा कंपनी में निवेश करने वाले छोटे निवेशकों को शानदार मुनाफा होगा। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि ये आरंभिक सार्वजनिक पेशकश खुदरा निवेशकों के लिए मुनाफा देने वाला होगा। उन्होंने कहा है कि देश के सबसे बड़े वित्तीय क्षेत्र की इकाई और बाजार के सबसे बड़े निवेशक के काम मूल्यांकन 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास रखने की कोशिश की गई है। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी अगले महीने बुलाई जा सकती है। मीडिया हाउस से मिली जानकारी के अनुसार जदयू के विश्वस्त सूत्रों ने ये बात कही है। उसके मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ही आयोजित की जाएगी। तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन माना जा रहा है कि अगले महीने की बैठक आयोजित हो सकती है। अरबपति एलन मस्क द्वारा ट्विटर को खरीदे जाने के बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने इसे सोशल मीडिया मंच पर अधिक भागीदारी और अभिव्यक्ति की इजाजत दिए जाने की पैरवी की है। ट्विटर के मालिक बनने के बाद मस्क ने उनके मंच पर अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम कम करने का वादा किया है जिस पर दुनिया भर में बहस चल रही है। इसको देखते हुए महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोल करवाया है जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से मस्क पर उनकी राय जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक 4 घंटे तक चली इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कुल 5 प्रेजेंटेशन दिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सरकार चलाना सामूहिक जिम्मेदारी है और मंत्री सिर्फ अपने मंत्रालय तक ही सीमित न रहे बल्कि शासन चलाने में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह गुरुवार को ओडिशा में अपने इस्पात संयंत्र में स्थित जेएसपीएल की रीबार मिल राष्ट्र को समर्पित करते देखे गए। जेएसपीएल ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि 1.4 MTPA की रीबार मिल दुनिया की सबसे बड़ी रीबार बनने वाली इकाई में शामिल हो गई है। बयान में कहा गया था कि मंत्री जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड इकाई में इसके 2 MTPA कोयला गैसीकरण संयंत्र का भी दौरा करेंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आगामी रणनीति पूरे उत्तर भारत में पार्टी को सीट पर ले जाने की है। इसके लिए उन्होंने हिमाचल और हरियाणा को लेकर खास रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल 29 मई को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली कर हरियाणा में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने टमाटर फेंके हैं। दरअसल दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मैक्रों बुधवार को जनता के बीच पहुंचे थे। मैक्रों उनके समर्थक कार्यक्रम के दौरान उत्साह की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने उन पर टमाटर से हमला कर दिया। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद मैक्रों एक फूड मार्केट में पहुंचे थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल इंडिया RISCV कार्यक्रम के तहत 2023-24 तक पहले स्वदेशी चिपसेट को व्यावसायिक रूप से पेश करने की समय सीमा तय कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया RISCV DIRV कार्यक्रम का उद्देश्य माइक्रो प्रोसेसर की आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करना है, जो गतिशीलता, कंप्यूटिंग और डिजिटलीकरण पर भारत के रणनीतिक फोकस की आवश्यकता को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया है कि ये एक बड़ा कदम है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है नन्नू कुमार, कुश कुमार यादव, मोहम्मद कायम, साहिल कुमार, विकास बिहारी, तानाशाह, आफिया परवीन, कौशलेंद्र कुमार सिंह, ध्रुव कुमार। आप इस तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कौन सा सोशल मीडिया अकाउंट आपके सबसे ज्यादा काम का है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।